हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली की दहलीज पर पांचवें दिन किसानों का आंदोलन है। हम आपको लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। ताजा खबर जान लीजिए, दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से बंद हो गया है। हमारी संवाददाता अंजलि इस समय गाजीपुर बॉर्डर से हैं। अंजलि, क्या अपडेट है? आप जहां पर हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है? आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये क्रेन बुलाई गई है जो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ नहीं थी, और बड़े बड़े पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं इनको देखिए अभी उठाकर सड़क को ब्लॉक किया जा रहा है। सुबह आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किसान जो हैं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दिया था, जो पहली लाइन बैरिकेडिंग की उसको तोड़ दिया था। अब उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं, सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद ही जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसके बाद ये क्रेन यहाँ पर बुलाई गई, और अब जैसा कि अन्य बॉर्डर्स पर हमने देखा कि बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स रखकर इस पूरी सड़क को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर अभी सड़क का सिर्फ यही हिस्सा जो है जो आंदोलन की वजह से ब्लॉक है, लेकिन चूंकि किसान बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए अब ये कार्रवाई की जा रही है। क्रेन बुलाकर यहाँ पर पत्थर रखे जा रहे हैं, और कोशिश ये है कि अगर किसान फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या और आगे आते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हैं, तो इससे आगे ना बढ़ सके। और इसी तरह की तस्वीरें अन्य बॉर्डर्स पर देखिए, कल जब हम यहाँ आए थे तो इस तरह के ब्लॉक्स नहीं थे, आज सुबह भी नहीं थे, लेकिन अब ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि कल शाम को भी किसानों की ओर से जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो बैरिकेडिंग्स जो हैं उसको तोड़ा गया था, और बीच बीच में यहाँ पर किसान उग्र हो जाते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक एक करके पत्थर के ब्लॉक्स उठाए जा रहे हैं, और जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो क्रेन के जरिए इसको रखवाने में मदद कर रहे हैं। यानी कि ये हो सकता है कि जो पांच एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक करने की बात की जा रही है दिल्ली में, उनमें से एक ये पॉइंट हो जिस पर कार्रवाई जो है किसानों की इस तरह का आंदोलन भड़क सकता है कि इस पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जिस पर अभी नॉर्मल आवाजाही आंशिक रूप से जारी है। यानी पहले बैरिकेडिंग अंजलि, और उसके आगे पुलिस ने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं किसानों को रोकने के लिए। मैं चाहती हूं कि हमारे वो दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उन्हें आप आसान भाषा में बताएं कि अगर ये रोड ब्लॉक होती है और ऊपर जो हाईवे है वो रास्ता अभी भी अगर खुला हुआ है और इस रास्ते का हमारे दर्शक इस्तेमाल करते हैं तो वो घर से निकलकर ट्रैफिक को लेकर किस तरह से पहले अलर्ट हो जाएं। जी देखिए, अगर कोई दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है, NH-24 का इस्तेमाल करता है, तो वो ऊपर ये जो फ्लाईओवर का रास्ता है ये अभी खुला हुआ है, वो आसानी से यहाँ से जा सकते हैं सीधे। और अगर किसी को कौशाम्बी की तरफ मुड़ना है तो नीचे से भी जो सड़क की दूसरी तरफ का हिस्सा है जो दिल्ली की ओर से आता है वहां से भी वो यू टर्न के लिए रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो आप आराम से वो रूट लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग नोएडा या गाजियाबाद की ओर से दिल्ली की ओर आ रहे हैं तो जिस हिस्से पर हम खड़े हैं ये जो नीचे का हिस्सा है ये ब्लॉक्ड है, लेकिन ऊपर ये कुछ लोग जो पासर्स बाय हैं आपको दिख रहे होंगे वो रुक रुक कर यहाँ पर देख रहे हैं आंदोलन को, वो रास्ता खुला हुआ है। ऊपर अगर आपको कुछ एक गाड़ियां जो हमें अभी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर मूवमेंट है तो आवाजाही जो है, और आज क्योंकि गुरुपर्व है इसलिए सोमवार होने के बावजूद इतनी भीड़ नहीं है। हालांकि स्थिति और खराब हो सकती थी अगर आज रोज की तरह मंडे वाला रश होता। और आपको दिखाएं ये जो बैरिकेडिंग लगाई जा रही है उसके दूसरी तरफ अब चूंकि यहाँ पर पत्थर के जो ब्लॉक्स हैं वो रखने शुरू किए जा चुके हैं तो किसान भी अब यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास आ गए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है किसानों को ये चीज नहीं पसंद आ रही है कि यहाँ पर पत्थरों के ब्लॉक्स रखे जा रहे हैं। तो अब इसके बाद ये भी देखना होगा कि क्या किसान जो अभी आवाजाही चल रही है ट्रैफिक की उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं या नहीं। जी जी अंजलि, अंजलि मौके से ग्राउंड जीरो से हमें बता रही थी कि किस तरह से वहां पर अब बड़े बड़े आरसीसी के ब्लॉक रख के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। अंजलि, क्या आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में वहां किसान पहुंच चुके हैं अब तक, और उनके पास क्या ट्रैक्टर्स के अलावा दूसरी गाड़ियां भी हैं, राशन का सामान भी लेके आए हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए ये तो इंतजाम वो पहले से ही कर चले थे। यहाँ पर तीन दिन हो गए हैं और यहाँ पर जो तमाम किसान आए हुए हैं वो अपने साथ ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज लेकर आए हैं। अगर हम आपको भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें, यहाँ फ्लाईओवर के नीचे किसान अभी रुके हुए हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर्स नजर आएंगे जिनमें की रात में किसानों ने को सोने के लिए इसमें उन्होंने व्यवस्था की, और साथ में
गाड़ियां भी आई हुई हैं, ट्रॉलीज हैं, मतलब पूरी तैयारी के साथ किसान आए हैं यहाँ भी। आप लगातार नजर बनाए रखिए अंजलि। टीकरी बॉर्डर से हमारे एक और सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। जनेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अंकित के पास चलते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बकायदा ट्वीट कर टीकरी बॉर्डर के लिए दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को ताकीद दी है और कहा है कि आप दूसरा रास्ता चुने। अंकित, निश्चित तौर पर, और ये पांचवा दिन है तो यहाँ की पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस वक्त यहाँ तस्वीरें क्या, पांचवें दिन क्या तस्वीरें हैं। एक तरफ आपको जवान दिखेंगे तो दूसरी तरफ किसान दिखेंगे। जवान एक तरफ है, किसान एक तरफ है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। हालात फिलहाल अभी काबू है लेकिन सुबह का वक्त है, लिहाजा सुबह किसानों की बात की जाए तो वो अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में नारेबाजी जरूर हो रही है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, जहां पर अभी हम आपको थोड़ा सा टॉप एंगल विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपको ये बता सके कि इस वक्त पूरे जो है रोड की हालत क्या है। ये देखिए, वहां पर से अगर मैं दिखाना कोशिश करूं कि जहां पर अभी इस वक्त किसान रुके हुए हैं, जो पहला बैरिकेड लगाया गया है वहां पर वाटर टैंकर भी है, वहां खाने का इंतजाम किया जा रहा है। उसके बाद में दो बैरिकेड और लगाए गए हैं जहां पर अभी हम मौजूद हैं, क्योंकि ना उधर से किसी को आने की इधर अनुमति है, ना ही इधर से उधर जाने की अनुमति है। हालांकि मेट्रो जरूर ऊपर चल रही है, मेट्रो ऊपर चल रही है लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत ज्यादा यात्री नहीं है क्योंकि आसपास के स्टेशन पूरी तरह से बंद है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, यहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए। सुरक्षा बल तो है ही, वाटर कैनन की गाड़ियां हो गई या क्रेन्स, जिस बात का जिक्र अंजलि कर रही थी कि बड़े बड़े पत्थर उठाने के लिए, वो यहां पर भी लगाई गई है। हालांकि अभी पत्थर जो मेन रोड पर नहीं रखे गए। एक और जानकारी देना चाहूंगा, जहां पर हम मौजूद है यहां से आधा किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स अभी जो है, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ, दो लेयर ऑफ बैरिकेड और है, यानी कि जहां पर किसान रुके हुए हैं वहां से लेकर के जहां पर पहला बैरिकेड लगा है दिल्ली बॉर्डर पर, पांच लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई है। मकसद यही है कि किसान किसी भी सूरत में अब इससे आगे ना बढ़े। और किसानों को हालांकि विकल्प दिया गया था कि वो चाहें तो बुराड़ी में पहुंच करके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, लेकिन किसानों का कहना है कि वो जाना नहीं चाहते और इस वजह से जवान और किसान आमने सामने, और फिलहाल हालात तो शांतिपूर्ण है लेकिन अंकित आप जिस जगह हैं टीकरी बॉर्डर पर, वहां पर भी क्या किसान राशन का सामान लेकर पहुंचे हुए हैं? टेंट, खाने, रहने, सोने के लिए बिस्तर, सब सामान है उनके पास? निश्चित तौर पर विकास, और इसी वजह से जो किसान संगठन है वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो पहला बैरिकेड है वहां पर पानी का टैंकर भी पहुंचा हुआ है और वहां पर खाना भी बन रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर अब आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं दी है, लिहाजा हम भी सुरक्षा कर्मियों का जो निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। और किसान भी जो है लगातार अपनी, उनका ये कहना है कि हम, हमारी जो बात है वो हमारे किसान नेता कह रहे हैं, लिहाजा हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले आज भी सब लोग, हाँ जैनेन्द्र भी लगातार हमारे साथ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर को ही लेकर ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने की है। ट्रैफिक पुलिस ने ताकीद की है कि सिंघू बॉर्डर की ओर से लोग जाने से बचें। सिंघू बॉर्डर पर लगातार हमारे साथ जैनेन्द्र बने हुए हैं। जैनेन्द्र कुछ कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये जो सरकार बनाम किसान का गतिरोध चल रहा है, पांचवा दिन है आज, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए मेरे साथ उमा शंकर प्रसाद हैं, एक मिल में काम करते हैं, मधुमेह के मरीज हैं और कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं अभी, और इनको कई किलोमीटर पैदल चल के जाना है। जब मैं इनसे बात कर रहा था इनकी आंखें डबडबा गई थी, हाथ में दवा लिए हुए हैं और दिखा रहे हैं कि ये मरीज हैं। और उमाशंकर जैसे न जाने कितने लोग हैं जो ट्रैफिक जो रुका हुआ है अलग अलग जगहों पर, उसकी वजह से परेशान है। उमाशंकर जी लाइव है आप एबीपी न्यूज पर, बताइए क्या परेशानी? बहुत परेशानी है जी, बहुत परेशानी है, इस परेशानी को हम बयां नहीं कर सकते और इसमें सरासर सरकार की गलती है। वो कोई भी कदम कुछ भी करे हमें इससे मतलब नहीं है, क्या करती क्या नहीं करती, वो कोई भी फैसला ले तुरंत ले ताकि आम जनता को परेशानी ना बने। जैसे मेरे जैसे शुगर के मरीज को, जिसके ऊपर मेरी सर दो 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 बेटियां हैं, भगवान ने बेटा नहीं दिया, मुझे कमाना है और जब तक मैं कमाऊंगा नहीं मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आज बताइए मैं पांच दिन से घर में बैठा हूँ, मेरे बच्चे क्या करते होंगे? पहले हम लॉकडाउन में परेशान हो गए, कमाई रही नहीं, जो पैसा था वो हम बैठ के खाए, उसके बाद अब ये सरकार जो है हमें परेशान कर रही है। बताइए ये गलती किसकी, हमारी है क्या? हम हिंदुस्तान में पैदा इसी काम के लिए हुए थे? इतनी दूर से आप पैदल चलकर आ रहे हैं? सर हम पहले तो हम घर से पैदल चले, स्टैंड पे आए, स्टैंड पे हमारी बस लगी थी।
उसमें आए वहाँ गुरते। जी जनेंद्र, आप वहाँ पर लोगों से बात करते रहिए, उनकी समस्याएं तकलीफ जानते रहिए, ये बहुत जरूरी है। जो आम लोगों को परेशानी हो रही है वो भी सामने आनी चाहिए। किसानों के इस धरने प्रदर्शन की वजह से, बॉर्डर जाम की वजह से बड़ी तादाद में लोग परेशान है। हालांकि आज गुरु पर्व है, गुरु पर्व की वजह से ज्यादातर दफ्तर बंद रहते हैं, उतनी लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन बाकी दिनों में लोगों को वाकई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त क्या हालात हैं? क्या वाकई दिल्ली के पांचों बॉर्डर सील कर दिए गए हैं किसानों द्वारा? बड़ी अपडेट जान लीजिए। 5 बॉर्डर सील करने की चेतावनी किसानों ने दी थी, 3 सील हो गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजीपुर बॉर्डर की है। गाजीपुर में पहले बैरिकेडिंग लगाई गई, थोड़ा उग्र हुआ मामला सुबह, थोड़ा रस्साकशी हुई, किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, फिर पुलिस ने फिर लगा दी, और अब यहां बड़े बड़े पत्थर क्रेन की मदद से लगा दिए गए हैं। यानी कि ये दूसरा सुरक्षा घेरा किसानों को रोकने के लिए।